कार्यक्रम देखने वाले किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने कार्यक्रम में आपको कृषि एवं कृषि व्यवसाय से संबंधित जानकारियाँ हमेशा देते रहते हैं। नई नई जानकारियाँ, नए नए प्रयोग और सफल किसानों की दास्तान। आज हम मछली की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, उसमें लाभ कैसे अर्जित किया जाए, उसका वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे किया जाए, इस बारे में जानकारी आपके साथ बांटेंगे। भारत में मछली पालन का व्यवसाय बहुत पुराने समय से चला रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जलाशयों में मछलियों के करीब 105 प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। इनमें मुख्य भारतीय मछलियां हैं कतला, रोहू, मृगल, कालबासू, मोंगरी, मुड़ा, पढ़ीना, महराली, फलिया आदि। विदेशी मछलियां जो यहां पाई जाती हैं वो इस प्रकार से हैं: कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के दहदहा गांव के मछली पालक हेमंत चंद्राकर भाई ने मछली पालन के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जिसे देखकर कोई भी किसान मछली पालन के विषय में सोच सकता है। पहले पहल पारंपरिक रूप से खेती करने वाले हेमंत चंद्राकर जी भी एक गरीब किसान ही थे। आर्थिक तंगहाली ने उन्हें व्यवसाय बदलने जैसा विचार दिया और वे मछली पालन के विषय में सोचने लगे। लगन के पक्के हेमंत चंद्राकर जी ने मछली पालन करने के लिए धीरे धीरे करके अपने खेतों को खोदकर तालाब बना दिया। फिर मिलने वाली सफलता ने हेमंत भाई को कभी थकने नहीं दिया और वो बन बैठे देश भर के मछली उत्पादक किसानों के प्रेरणा पुंज। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला तहसील कुरुत के ग्राम दहदहा में। दहदहा में मछली के एक उन्नतशील कृषक हमारे साथ हैं, श्री हेमंत कुमार चंद्राकर जी। दाऊ जी नमस्कार। नमस्कार अशोक चंद्राकर जी। दाऊ जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि मछली की खेती कितनी लाभप्रद है और कितनी सुविधाजनक है। आप इस फील्ड में कैसे आए, कितने वर्षों से आए, पहले आप क्या खेती करते थे? मैं अशोक भाई, यहाँ पे पहले हमारे बाप दादा से लेकर हमारे सब धान का खेती करते थे। मैं 94 में यहाँ पे धान का खेती मैं भी चालू किया तो पेपर में मैंने पढ़ा कि बोले धान के साथ में मछली खेती किया जा सकता है। तो मैं 2-3 ठो खेत को साइट को खुदा करके 5 फुट गहरा गर्मी का फसल में मैंने मछली डाला 200-400 धान के साथ मछली। धान के साथ जी। तो क्या धान में जो कीड़ा होता है उसको मछली खा जाए, ये हिसाब में मैंने डाला। फिर मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से आंध्रा जाने का मौका मिला 94 में। तो मैं आंध्रा में जा कर देखा कि वहाँ एक एक तालाब 20-25 एकड़ का है और बहुत ज़्यादा खेती होता है मछली का वहाँ। मैं आने के बाद में यहाँ पे मछली का तालाब बनाऊंगा ऐसा सोच लिया। पहले यहाँ पे रोहू कतला जी वो डाला जी। फिर धीरे धीरे मैंने दूसरा प्रजाति का उत्पादन कैसे बढ़ाना चाहिए इस हिसाब से मैंने एक एक मछली दूसरा पाल के रिसर्च करते रहा। कई तरह की प्रजाति कई प्रजाति को मैंने रिसर्च किया जी। फिर रोहू कतला जो है वो एक एकड़ में आपका 25-30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदा होता है, उससे ऊपर नहीं होता जी। और खर्चा जो है वो एक एकड़ एक किलो मछली में करीब 60 रुपया खर्चा आता है रोहू कतला में, पर उत्पादन उसका कम है जी। फिर मैंने दूसरा मछली, फिर सन 2000 में एक मछली आया नया फंगसियस करके जी। वो फंगसियस मैंने सन 2000 में थोड़ा ट्राई किया तो उस समय कोई खरीदते नहीं थे इसको, नया मछली है जी। कि धीरे धीरे आज उसका फंगसियस का इतना ज़्यादा डिमांड है और ये ऊपर में आके सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है जी। ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं होने के कारण एकर उत्पादन बहुत है। वर्तमान समय में देश की बढ़ती हुई आबादी और खाद्यान्न की समस्या के कारण मछली पालन का महत्व और भी बढ़ गया है। इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि मछलियाँ स्वादिष्ट होने के साथ ही साथ सुपाच्य भी होती हैं और इनमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यय कम और लाभ अधिक है।
इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मछुआरों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ ही मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मछली पालन के लिए तालाब की तैयारी के विषय में जानकारों और संबंधित वैज्ञानिकों की राय तो इस तरह से है। मौसमी तालाबों को मछली पालन के मान से तैयार करने के लिए तालाब के बंध की मरम्मत और निकास स्थान को पक्का बनाया जाना चाहिए, जिससे तालाब में वर्ष भर कम से कम 2 फीट पानी की उपलब्धता बनी रहे। पानी के आवक जावक के स्थान पर जाली लगाना आवश्यक है, ताकि अनावश्यक जीव जंतु तालाब में प्रवेश न कर सके। मछली पालन के लिए किस तरह के तालाबों का चयन किया जाना चाहिए और उसका आकार कैसा हो, इस बात की जानकारी भी मत्स्य पालक बंधुओं को होना चाहिए। नर्सरी तालाब साधारणतः छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 से 2.5 हेक्टेयर होना चाहिए और गहराई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से उपलब्ध मौसमी तालाब इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इन तालाबों में गर्मियों में सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, जिससे इसमें उपस्थित सभी अवांछित विघटित कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और तालाब का जल प्रदूषण भी कम हो जाता है। इसके अलावा मौसमी तालाबों में अवांछित मछलियां और खरपतवार भी कम होते हैं। मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए स्थान का चयन भी विज्ञान सम्मत होना चाहिए। कुछ बातों की जानकारी जरूरी है, जैसे मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता उच्च कोटि की होनी चाहिए। इस आधार पर चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बलुई मिट्टी या मुरम की सतह पर तालाब नहीं बनाना चाहिए। जहां तक संभव हो, तालाब के निर्माण के लिए निचले क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, ताकि वर्षा का जल वहां एकत्र हो सके। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान का जल स्तर भी ऊंचा हो। तो फंगास जो है, अभी 1 एकड़ में 100 क्विंटल से लेकर 200 क्विंटल तक पैदा होते। अरे वाह, फंगास जो है, और ज्यादा भी हो सकते, करने वाला होना चाहिए, विधि वैज्ञानिक हो। हाँ, ज्यादा करना सकते, और पानी के कोई खर्चा नहीं है। एक बार तालाब भर दे तो महीना में 2 इंच 3 इंच पानी कम होते बस जी, बाकी पानी के कोई नुकसान हो ही नहीं, और कोई दवाई वगैरह लगे नहीं, कोई प्रदूषण नहीं है। हमें वाटर लेवल डाउन हो जाते ओकर बर किसान भाई मतलब बहुत जरूरी है कि तालाब बनाए वो और मछली पालन करे उस जगह में, और वो पानी रिचार्ज भी हो ही। बहुत अगन फायदा है कर से, और अच्छा आमदनी भी है। और मछली खाना स्वास्थ्य के लिए, मछली खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है, और हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। हाँ, आमदनी बहुत अच्छा है, धान का खेती से तो लाख गुना अच्छा है। धान का खेती में आदमी कमाते कितना, 20,000 कमाई तो बहुत है। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। मछली की खेती में सबसे महत्वपूर्ण है तालाब का निर्माण, फिर मछली का आहार प्रबंधन और मार्केटिंग। इन तमाम विषयों में वैज्ञानिक जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं ग्राम दहदहा। तालाबों से जलीय खरपतवार का उन्मूलन भी मत्स्य पालन के लिए एक सहयोगी प्रक्रिया है, क्योंकि तालाबों में स्थित अनावश्यक जलीय वनस्पति मछलियों के विकास को प्रभावित करती हैं। ये उपलब्ध पोषक तत्वों का इस्तेमाल करने के साथ मछलियों के विकास की गति में भी व्यवधान उत्पन्न करती हैं। साधारण मौसमी तालाबों में अधिक खरपतवार नहीं होते, लेकिन संचय के पहले जो भी खरपतवार होते हैं उन्हें निकालना आवश्यक होता है। ये काम अप्रैल या मई माह में मानवीय श्रम से भी किया जा सकता है और यही सबसे उपयुक्त विधि भी है। मत्स्य पालन के लिए तैयार तालाब की मिट्टी को स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए और उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए बुझा हुआ चूना 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। मत्स्य पालन के लिए जैविक खाद के उपयोग की विधि भी मत्स्य पालक बंधुओं को ज्ञात होनी चाहिए। तालाब में खाद के उपयोग से मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। मछलियों के अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक भोजन का अच्छा उत्पादन हो। मछली के छोटे बच्चे के संचय के पहले तालाब में दी जाने वाली खाद की कुल मात्रा 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष होती है। अनुपजाऊ मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती है तो खाद की मात्रा 20,000 से 25,000 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर होगी। इस मात्रा को तालाब में चारों तरफ छिड़क देना चाहिए या पानी के किनारे जमा कर देना चाहिए।
मछली का जब मैं चालू किया उस समय यहाँ तो कोई मछली दाना बनता नहीं था छत्तीसगढ़ में जी। हम लोग राइस पॉलिश जो होता है, राइस डीओसी है और सरसों खली है, मूंगफली खली है, और तुम्हारा जो पोल्ट्री फार्म में अंडा क्रेक हो जाता था जो फेंक देते थे, हाँ हाँ, वो हम लाते थे और दाना बनाते थे उस समय, तो उसमें भी बच्चा रहा। और अब तो ऐसा है कि दाना बनने लग गया यहाँ पे, और ये फंगेसियस को चाहिए फ्लोटिंग फीड, तैरने वाला फीड चाहिए इसको जी। डूबने वाला फीड में उसका उत्पादन नहीं है, तैरने वाला फीड में उत्पादन अच्छा है, और हाई प्रोटीन वाला देना पड़ता है। मछली पालन के लिए जलीय कीड़ों का उन्मूलन भी आवश्यक है। जीरा संचय से पहले जलीय कीड़ों को तालाब से मुक्त करना आवश्यक है। बड़े बड़े कीड़ों को तो धनिया जाल चलाकर निकाल दिया जाता है, लेकिन छोटे कीड़ों के नियंत्रण के लिए विधि का चुनाव, सुविधाजनक उपयोगिता, स्थानीय उपलब्धता और लागत पर निर्भर करता है। जल के विषैलेपन की जांच और प्लावक स्तर की जानकारी भी मछली पालकों के लिए अहम होती है। जल के विषैलेपन की जांच के लिए तालाब में छापा लगाकर कुछ पौनों को 48 घंटों तक छोड़ दिया जाता है। इस अवधि में उनकी मृत्यु न होने पर ये मान लिया जाता है कि तालाब पौना या फ्राई संचय के लिए तैयार है। तालाब में प्लवकों की मात्रा पर्याप्त है या नहीं, ये मापने के लिए प्लवक संग्रहक जाल का प्रयोग किया जाता है। तालाब के विभिन्न स्थानों से करीब 50 मिलीलीटर जल इसमें डाला जाता है। जाली जल को छानकर प्लवकों को रोक लेती है, जिसे नली में पैमाने से माप लिया जाता है। स्पॉन का संचय तालाबों में इस प्रकार किया जाता है। नर्सरी तालाब में 25 लाख से 1 करोड़ स्पॉन प्रति हेक्टेयर की दर से संचय किया जाता है। ये स्पॉन मिश्रित या एक ही जाति के हो सकते हैं। एक ही जाति के स्पॉन संचय करने से उसके विपणन में सुविधा होती है। प्राकृतिक भोजन के अलावा पूरक आहार देने से मछलियों का विकास अच्छा होता है। साधारणतः इसके लिए सरसों की खली और चावल की भूसी का उपयोग किया जाता है। पूरक आहार की मात्रा 6 से 10 दिन तक 8 गुना बढ़ा देनी चाहिए। पूरक आहार में खनिज लवण का मिश्रण जैसे एग्रोमीन, फिरामीन आदि मिलाना अत्यंत लाभदायी होता है। फ्राई का संचय किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रातःकाल संचय के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। चंद्राकर जी, अब हम बात करेंगे मछलियों के आहार प्रबंधन के बारे में। आहार जो है, जब मछली का बच्चा छोटा होता है, जब नर्सरी स्टेज में होता है, तब और बड़े होने के बाद, ये दोनों स्थितियों में क्या आहार अलग अलग तरह से दिया जाता है, किस तरह से उसका प्रबंधन करते हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। ये ऐसा है अशोक भाई, जब नर्सरी में छोटा बच्चा आता है, 1 इंच का, 1.5 इंच का, चाहे 2 इंच का हो, तो उसके खाना पाउडर आता है, पाउडर टाइप का खाना होता है, और प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रोटीन रहेगा तो वो जल्दी तैयार होगा, अच्छा रहेगा। और छोटा स्टेज में जो बच्चा रहता है नर्सरी में, उस समय खाना इला 2-3 बार देना पड़ता है। सुबह भी देना है, दोपहर में भी देना है, फिर शाम को देना है। और जब वो 100 ग्राम का हो जाए तो फिर उसको तालाब में डालना है। अच्छा, जब तालाब में डालना है तो ओकर पर खाना अलग आते, 4 mm 2 mm के खाना आते, गोली गोली टाइप के खाना रहते, वो फ्लोटिंग फीड है, वो खाना खिलाना पड़ता है बोला, फिर पूरा 1-1.5 किलो हो तक। जब ये छोटा बच्चा रहे, नर्सरी स्टेज में रहे, तो ये जो है इसको पाउडर खाना आता है, वो खाना देना पड़ता है दिन में 3 बार कम से कम, सुबह 12 बजे फिर शाम को। जब ये वहाँ पे 100 ग्राम का हो जाए तो उसको बड़े पौंड में, बड़े तालाब में डालना है, फिर ओकर बर्फ बड़े खाना आते, 4 mm 2 mm का फ्लोटिंग फीड आता है। यहाँ हमारे यहाँ राजनांदगांव में है ए बीच का, उसका फीड हम लोग दे रहे हैं अभी। पर ये फीड इसका, मछली का सिर्फ फीड का ही कास्ट ज़्यादा है, क्योंकि दवाई लगता नहीं है, बीमारी नहीं है, पानी कभी कभार मोटा हो गया तो चूना डाल दे, बस इतना ही काम रहता है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें।
तालाबों में पौनों को छोड़ने से पहले पौनों को पात्र सहित तालाब के जल में कुछ समय के लिए डुबाकर रखना चाहिए। तालाब में छोड़ने से पहले विभिन्न प्रकार के परजीवियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पौनों को 3% साधारण नमक या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डुबाना चाहिए। कुछ सावधानियों के प्रति भी मत्स्य पालकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। हेमंत चंद्राकर और उन जैसे सफल मछली पालक इन सभी बातों के लिए पूरी तरह से चौकस रहते हैं। लगभग 40 एकड़ के तालाब में मत्स्य पालन करने वाले हेमंत चंद्राकर भाई सावधानी में जरा भी कोताही नहीं बरतते। कुछ बातों के लिए मछली पालकों को बहुत चौकस रहना है, जैसे तालाब के पानी का रंग हल्का हरा और बदबूदार न हो, पानी की पारदर्शिता 25 से 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, तालाब के जल का पीएच मान 7 से 8.5 के बीच ही होना चाहिए, तालाब में ऑक्सीजन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए। नर्सरी और संवर्धन तालाब के चारों ओर सुरक्षा के लिए कांटेदार जाली लगाने से चोरी आदि से बचा जा सकता है। प्रतिमाह तालाब में जाल चलाने से ऑक्सीकरण भी बढ़ता है और इस प्रकार मछलियों के स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा सकती है। मिश्रित मछली पालन के लिए ऐसे तालाब जिनमें साल भर पानी उपलब्ध हो और उसकी गहराई 4 फीट तक हो मिश्रित मछली पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। मिश्रित मछली पालन के लिए 6 विभिन्न प्रजातियों की कार्प मछलियाँ जो कि तालाब के विभिन्न सतहों से भोजन ग्रहण करती हैं एक साथ पाली जा सकती हैं। इससे तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन का भरपूर दोहन होता है। मछली का जो तालाब है इसके पानी को हम यदि कृषि के दूसरे क्षेत्र में सब्जियों के लिए या धान की खेती में यदि उपयोग करना चाहें तो ये पानी क्या किसी तरह से वहाँ नुकसानदायक हो सकता है? ये ऐसा है अशोक भाई, इसका जो पानी है हम लोग हाई प्रोटीन का खाना देते हैं, इसमें इसका जो पानी है उसके बहुत ज़्यादा ये होता है, इसमें धान में डाल लो आप, सब्जी में डाल लो, उसमें आपको खाद की ज़रूरत बहुत कम पड़ता है, बहुत कम ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पे आप 10 किलो खाद डाल रहे हैं अगर ये पानी सिंचाई करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 5 किलो खाद में हो जाएगा, इतना बढ़िया पानी है इसका। कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प मछलियों को मिश्रित रूप से पाला जा सकता है। इन मछलियों को तालाब की परिस्थिति के अनुरूप विभिन्न अनुपात में संचित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के तालाबों में कतला, रोहू, मृगल और कॉमन कार्प का पालन अधिक उपलब्धता के साथ किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रदेश में पंगास और गुलाबी नर तिलापिया का एकल और मोनोकल्चर पालन भी प्रारंभ किया गया है। ये 1 से 1.5 वर्ष में 2 से 3 किलोग्राम तक हो जाता है। बाजार में इनकी आसानी से बिक्री भी हो जाती है। हम अपने मछली पालक बंधुओं से ये कहना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए निर्देश का पालन करते हुए हेमंत चंद्राकर जैसे मछली पालकों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने गांव के ही तालाबों में व्यावसायिक रूप से मत्स्य पालन कर अपनी आय को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के ग्रामीण जन इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अपनी आय को बढ़ाते हुए देश की खाद्य समस्या को दूर करने में अपना योगदान देंगे। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम से निश्चित रूप से आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी के बाद जो नए किसान हैं वो मछली पालन के क्षेत्र में जरूर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।